जितने भी छात्रों ने यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 के लिए फॉर्म को अप्लाई किया था, तो सभी छात्र वेट कर रहे हैं कि उनका स्कॉलरशिप वाला पैसा उनके खाते में कब से आएगा। तो फाइनली गाइस, आज की डेट में आपके स्कॉलरशिप आने को लेकर कुछ ऑफिशियल अपडेट सामने आ रही है, जो मैं आपको इस वीडियो में कम्प्लीटली बताने वाला हूँ कि आपका स्कॉलरशिप वाला पैसा आपके खाते में कब से आएगा। एंड इस समय आपके डीडीलू वाले क्या कहना है, मतलब इसी आपके जो डिस्ट्रिक्ट के डीडीलू वाले हैं उनका क्या कहना है कि किन छात्रों का पैसा आने वाला है। तो गाइस, सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल्स एंड कंप्लीटली लाइव प्रूफ बताया जाएगा। तो गाइस प्लीज आप वीडियो को स्किप करके मत देखना, ओके। अब गाइस यहां पे सबसे पहले देख पाएंगे ना, हमारे पास एक लेटेस्ट स्टेटस है जहां पे गाइस आपको यहां पे बताया जा रहा है कि वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी का शो कर रहा है, लेकिन यहां पे यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी एंड बेनिफिशियरी हैज बीन क्रिएट बेस्ड ऑन अकाउंट। तो गाइस यहां पे इनका तो सब कुछ वेरीफाई था, इनका पैसा आ भी गया होता, लेकिन गाइस यहां पे इनका क्या है, डीबीटी मतलब कि जो इनका आईडी आधार कार्ड है ये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के लिए इनेबल नहीं है। तो गाइस इनके लिए तुरंत से अपने बैंक में जाना होगा और बैंक में जाकर इनको अपना डीबीटी अपने आधार कार्ड से इनेबल कराना होगा, अदरवाइज इनका पैसा नहीं आ पाएगा। तो जितने भी छात्रों के स्टेटस में ऐसे प्रॉब्लम है तो उनके साथ ऐसा ये काम तुरंत कर लें, अदरवाइज आपका पैसा नहीं आ पाएगा। अब गाइस यहां पे मान लीजिए आपका सिर्फ वेरीफाई है, आपका वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो कर रहा है, तो इस केस में गाइस आपको 100% स्कॉलरशिप वाला मिलने वाला। मैं आपको यहां पे दिखा दूं, वेट यहां पे। तो गाइस यहाँ पे आपको स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा होगा कि राज्यांश में मिले तो 58,000 से ज़्यादा छात्रों को हो शुल्क भरपाई। तो गाइस यहाँ पे मतलब कि आपको जो स्कॉलरशिप का लाभ है इसी हफ्ते मिलने वाला है। यहाँ पे आपको साफ साफ बताया जा रहा है कि वर्ष 2022-23 में शिक्षा संस्थानों की लापरवाही से वंचित रह गए SC/ST छात्र 15 जून तक राज्यांश का होना था भुगतान, पर वित्त अब तक नहीं मिली है अनुमति। तो मतलब गाइस यहाँ पे क्या है कि जितने भी छात्र SC/ST के थे जिनको अभी तक स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाया है, तो 15 जून तक उनको आना था, जो मैं आपको डे वन से बोल रहा हूँ 15 जून का वेट कर लेना। लेकिन गाइस 15 जून को किसी कारणवश पैसा नहीं आ सका था, तो फाइनली अब आपका ये अगस्त महीने में आने वाला है। तो यहाँ पे गाइस आपको साफ साफ बताया भी जा रहा है कि लखनऊ प्रदेश के अंदर प्रदेश में SC/ST के 58,313 छात्रों की शुल्क भरपाई राज्यांश के फेर में अटक गई है। वर्ष 2022-23 में इन छात्रों को शिक्षा संस्थानों की लापरवाही समेत कई कारणों से योजना का लाभ नहीं मिल सका था। केंद्र सरकार ने छात्रों को राहत देने के लिए वित्त वर्ष में उनके आवेदन को नए सिरे से अग्रसरित करने की अनुमति दे दी थी। तो गाइस यहाँ पे आपको अनुमति भी मिल गई थी लेकिन पैसा भी नहीं आया है। तो गाइस आपको अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आपका पैसा आने वाला है, यहाँ पे आपको आर्टिकल में साफ साफ बताया भी जा रहा है। और गाइस मैंने आज की डेट में इसके रिगार्डिंग में डिटेलों से मैंने बात भी किया था, उनका भी सेम कहना है कि आपका जो पैसा है नेक्स्ट वीक से आना आएगा। तो सभी छात्र अपने डीबीटी को इनेबल करा लेना और जो भी आधार कार्ड से जो भी आपका NPC से मैपिंग होता है उसको भी मैपिंग आप कर लेना और आपका पैसा अगले हफ्ते से आने वाला है। लेकिन गाइस यहाँ पे गाइस मतलब कि जो यहाँ पे स्कॉलरशिप आने वाला है मात्र SC/ST के छात्रों का ही आने वाला है। तो यहाँ पे मैं SC/ST की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज अगर OBC के हैं, जनरल के हैं, तो आप नेक्स्ट वीडियो देख लेना, आपके लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लग जाएगा, ओके। अब यहाँ पे गाइस आप देख पा रहे होंगे ना, वेट यहाँ पे। तो फाइनली गाइस आपका स्कॉलरशिप आया है या फिर नहीं आया, इसको जानने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना होगा boardsexam.com। जैसे ही आप boardsexam.com सर्च करते हैं, boardsexam.com की ऑफिशियल साइट पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जैसे ही आप इस होम पेज पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से नया इंटरफेस आ जाएगा, आपको सिंपल में नीचे आ जाना है। अब जैसे ही आप नीचे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2022-23 के यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा, आपको नीचे आ जाना है। अब नीचे आते ही गाइस यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स अवेलेबल है जहाँ पे आप सब अपने पेमेंट को चेकआउट कर सकते हैं, अपने स्टेटस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे फटाफट से विजिट करें और जो भी आपका कैटेगरी सेलेक्ट करके अपने स्टेटस और चेकआउट कर लेना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस भी कर लेना और यहाँ पे आकर फटाफट से अपने पैसे को चेकआउट कर लेना। तो बाय बाय, टेक केयर, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।